नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं रुपया हूँ, मेरा नाम रूपा है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नति और विकास का रास्ता, जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं सकारात्मक बदलाव। मैं हूँ राजू। मैं बांस के व्यवसाय से जुड़ तो गया हूँ, पर डर लग रहा है कहीं व्यवसाय में नुकसान ना हो जाए। बांस के विकास, भंडारण और तत्पश्चात उत्पादन एवं निर्माण स्तर पर कई तरह के जोखिम होते हैं। बांस में भी कई तरह के कीड़े और फफूंद लगने की संभावना होती है। दीदी, क्या इस तरह के जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है? बिल्कुल राजू, जोखिम तो हर नए काम में होता है, इसीलिए जोखिम से बचने के उपाय के बारे में जानना जरूरी है। हमारी जिंदगी में भी तो जोखिम है कि कल को कोई दुर्घटना हो जाए और हम कमाने लायक ही ना रहें, या फिर घर की जमा पूंजी अचानक चोरी हो जाए आदि। जरूरी है जोखिम को कम करने का उपाय किया जाए। अच्छा दीदी, तो फिर उपाय क्या है इसका? इसका एक उपाय है बीमा। बीमा जोखिम से बचने का या फिर कम करने का एक साधन है, जो किसी भी अप्रिय घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करता है एवं बीमा लेने वालों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो किसी प्राकृतिक आपदा के चलते तुम्हारी फसल नष्ट हो जाती है, या फिर दुकान में आग लग जाती है, या तुम दुर्घटनाग्रस्त या बीमार हो जाते हो, तो ऐसे में तुम्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुक सकती है, और इस समस्या से उबरने के लिए तुम्हारे पास कर्ज के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। परंतु अगर तुम बीमा करवा के रखते हो, तो तुम्हारे इस नुकसान की तात्कालिक भरपाई बीमा करने वाली कंपनी करती है, और जिंदगी की गाड़ी फिर से बिना किसी रुकावट के दौड़ने लगेगी। लेकिन बीमा से मिली मदद कुछ समय के लिए ही काम आती है, इसीलिए बीमा होने के बावजूद भी हमें बचत की आदत डालनी चाहिए। दीदी, फिर तो बीमा हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, हर एक आदमी का बीमा होना जरूरी है। बीमा खुद और अपने संस्थान में काम करने वाले अन्य लोगों का भी करवाना चाहिए। बहुत से लोगों का एक बार में ग्रुप बीमा भी किया जाता है। देखो, हम सबके जीवन में तो खतरे लगे ही रहते हैं, कभी बीमारी का खतरा तो कभी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, दुर्घटना, चोरी, अचानक मृत्यु आदि। ऐसे में इन खतरों से बचने के लिए कम से कम एक बीमा तो हमें कराना ही चाहिए। हमें बीमा को भी एक जरूरी खर्च ही समझना चाहिए। कम से कम एक, इसका मतलब क्या हुआ दीदी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीमा मुख्यतः दो तरह के होते हैं, जीवन बीमा और सामान्य गैर जीवन बीमा। अपने देश में कुछ तो सरकारी बीमा होता है जो सरकार करती है, और कुछ बीमा पंजीकृत कंपनियों द्वारा किया जाता है। LIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आदि बीमा कंपनी सरकारी है। वहीं ICICI लोम्बार्ड, बिरला सनलाइफ कंपनी, बजाज अलायंस, भारतीय अक्सा जैसी बीमा कंपनी गैर सरकारी बीमा प्रदान करती हैं। आदमी के जीवन में होने वाली अप्रिय घटना, जैसे किसी मृत्यु, दुर्घटना से विकलांगता, या फिर उम्र के अंतिम पड़ाव पर जब हम तुम कमाने लायक नहीं रह जाएंगे, ऐसे समय में जीवन बीमा हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा लेने वाले की मृत्यु अगर बीमा अवधि पूरी होने से पहले हो जाए, तो ऐसे में जीवन बीमा के तहत एक निश्चित राशि उसके घर वालों को दी जाती है। देश में सरकार के द्वारा की जाने वाली जीवन बीमा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जिसके लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है। इस पॉलिसी की परिपक्वता की उम्र 55 साल है। इस योजना के लिए सालाना प्रीमियम ₹330 है, और ये रकम तुम्हारे बैंक खाते से ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए ली जाएगी। ECS एक व्यवस्था है जिसके तहत बैंक आपकी सहमति से निश्चित अवधि पर अपने आप रकम ले लेती है। इसके तहत टर्म प्लान को हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता है। इस बीमा की रकम ₹2,00,000 है, और इसमें निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो परिवार को ₹2,00,000 मिलते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु का कोई भी नागरिक उठा सकता है। इस योजना में बीमा धारक को हर महीने ₹1 का प्रीमियम जमा करना होगा। इस बीमा योजना में किसी भी तरह की दुर्घटना पर ₹2,00,000 की राशि मिलती है। देखो, जीवन बीमा के भी कई प्रकार होते हैं। अटल पेंशन योजना। इसके अलावा कई तरह की पेंशन पॉलिसी भी हैं, जो तब मिलती हैं जब लोग कमाने लायक नहीं रह जाते, जैसे अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद योजना है, जिसके तहत 60 साल की उम्र से तुम्हें कम से कम ₹1,000 और अधिकतम ₹5,000 मासिक पेंशन मिल सकती है। इस योजना के तहत अगर बीमा लेने वालों की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को बीमा का फायदा मिलता है। इस योजना के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 20 साल तक निवेश करना पड़ता है। दीदी, अब सामान्य बीमा के बारे में भी तो बताइए। हाँ, देखो, सामान्य बीमा में स्वास्थ्य का बीमा कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। परिवार में किसी को कभी भी बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य बीमा लेकर हम इस तरह के अस्पताल के खर्चे से निश्चिंत हो सकते हैं। इसके अलावा फसल बीमा, व्यापार बीमा, पशु बीमा, घर का बीमा करा सकते हो। हमेशा याद रखो कि बीमा पंजीकृत कंपनी से ही या फिर सरकार की बीमा पॉलिसी से ही लेना चाहिए, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा एजेंट आदि। कभी भी खाली बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। तो दीदी, मैं तो चला जल्दी से अपना बीमा करवाने। हाँ हाँ, जाओ और लोगों को भी बीमा के फायदे बताओ।